लग गया था। देखिए लाइफ का एक सर जाते जाते जो स्टेटमेंट उन्होंने अपने बातों को कहा कि 45 साल की एज में उन्होंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। आपका इतिहास थोड़ा सा हम लोग को बहुत ज़्यादा नहीं जानता, मैं जब थोड़ा ही इनके बारे में जाना कि 16 साल 17 साल की नौकरी में और लगभग 16 ट्रांसफर आपको उपलब्धि के तौर पर मिले। जब कोई अधिकारी फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा ना, फिल्में देखते हैं जिसमें हीरो जो होता है वो बार बार ट्रांसफर होता रहता है ना, कुछ ऐसा ही आपके साथ ही है। और एक अच्छा व्यक्तित्व तो आपके सामने मिला, ये आपके लिए सबसे सौभाग्य की बात ये है कि आप तो जब तक है तब तक करके सारी चीज़ें अपनी गौर से करा लीजिए, काफ़ी पेन कलम जो भी मिलता हो आपको सब कर लीजिए और बहुत अच्छा रहता है। ऐसे लोग जो रहते हैं तो थोड़ा सा बच्चों का उत्साह वर्धन के साथ साथ बाकी चीज़ें भी ठीक ठाक होती हैं। जब ऐसे अधिकारी हो जहाँ पर निगम घुसता हो मतलब सुनाई ना दे और उनको किसी से कोई मतलब ना हो तो एक गलत बात होती है। लेकिन ये है आपने कहा चूल्हा का जो आप लोग रही काफ़ी बहुत कुछ उन्होंने मोटिवेशनल बातें कही, फिर आप लोग जो समझे तो बहुत सही बात है, नहीं समझे तो फिर वही है ज़िंदगी है। ज़िंदगी को समझिए और महसूस करिए, जो भी मेरी कहते परेशानी है फटाफट बताइए इनको और काम करिए। नंबर तो उनकी का दिया होगा आपको ठीक है, तो आप लोग ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए आइए तो स्वच्छता के साथ साथ हम लोग देखते हैं। कल हम लोगों ने कॉलेज पर्व देखा था, बाप पर्व देखा था, ज्वालामुखी पर्व देखा था और इसी के एग्जाम्पल्स ले लेते हैं क्यों yes, और उसके बाद मदाकार पर्वत और मिश्रित पर्वत का कॉम्प्लेक्स माउंटेन देखना है। आइए इसको शुरुआत कर लेते हैं। जी कहाँ पर है, इटली में।
इटली में हूँ। अगला है दोस्तों रेनियर पर्वत, रेनियर है ना, रेनियर पर्वत कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, रेनियर संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए। नेक्स्ट है दोस्तों किलिमंजारो, किलिमंजारो, किलिमंजारो नेक्स्ट पर्वत है, कहाँ पर है? तंजानिया कहाँ पड़ता है? अफ्रीका, अफ्रीकी कंट्री है जो नहीं जानते हो। अगला है दोस्तों शास्ता, बड़ा शहर रहेगा शास्ता पर्वत, कहाँ पे है ये? यूएसए, ठीक है। इसके अलावा एकांकागुआ कहाँ पर पड़ता है? ये चिली में पड़ता है, दक्षिण अमेरिका, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला है दोस्तों पोको कैटी पेटर, ये मैक्सिमो में पड़ता है मैक्सिको, ठीक है। फोटोपैक्सी कहाँ पे है? इक्वेडोर, बहुत बढ़िया। ये सब याद रहेंगे ठिकान नंबर आपको जरूर स्कोर करते, फोटोपैक्सी है इक्वेडोर में है, दक्षिण अमेरिका कंट्रीज है, मतलब महाद्वीप में देश है, कंट्रीज है। तो ये तो कुछ उदाहरण हो गए संग्रेज पर्वत यानी कि आपके चलो की पर्वत। अब नेक्स्ट करते हैं भाई गुम्बदाकार पर्वत, ठीक है, गुम्बदाकार पर्वत डेमो माउंटेन कहते हैं, डोमे माउंटेन चाहो तो लिख सकते हो डोमे माउंटेन, कोशिश करो बेटा तुम्हारा सीधा बहुत ज़्यादा नीचे चले जाएगा, बिल्कुल एकदम कसम खा लो कि नहीं नीचे जाएगा, है ना, कोई भी काम कसम खा के करो, ठीक, एक लाइन इधर लिखने से पहले तुम ये काम क्या करो, एक कसम खाओ, कसम खाता हूँ इस लाइन में नीचे नहीं हो, चार छः लाइन लिख लो तो धीरे धीरे सही हो जाएगा, है ना। वैसे पीछे ही कसम पूरी होती है, बाकी कसम नहीं पूरी होती है, क्यों? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखिए बाकी भी लोग कसम बहुत खाते हैं, अरे जब मार खाए ना आज के बाद कुछ नहीं करेंगे, बहुत सारी कसमें खाई जाती है, रह रह के खाई जाती है, पूरी नहीं होती क्योंकि इसमें मेरी इच्छा शक्ति मेरे कहते हैं तुमसे कभी नहीं होती, पता चलेगा घंटे में बोल ही देते हैं। तो गुम्बदाकार पर्वत, तो गुम्बदाकार पर्वत जो है वो गुम्बद के आकार का है, जैसे कोई असल हिस्सा उठ जाना और एक गुम्बद के आकार की संरचना हो जाना चापाकार संरचना में, तो गुम्बद के आकार का बन जैसे बन एक असल वाका उठ जाना, कैसे होगा आपके पास एक कारण खोले लीजिए इसको। जब पृथ्वी के धरातलीय भाग में, जब पृथ्वी के धरातलीय भाग में, जब पृथ्वी के धरातलीय भाग में धरातलीय भाग में चाप के आकार में उभार होने से, चाप के आकार में उभार होने से धरातलीय भाग ऊपर उठ जाता है। जब पृथ्वी के धरातलीय भाग में चाप के आकार में उभार होने से
धरातलीय भाग ऊपर उठ जाता है तो उसे गुम्बदाकार या गुम्बदनुमा पर्वत कहा जाता है। इसके उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्लैक हिल्स, संयुक्त राज्य अमेरिका के स्टेट एग्जाम्पल सैनुदा का कि वो आप लोग देख रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्लैक हिल्स, बिग हॉर्न्स, बिग हॉर्न्स ऐसे रहेगा आपका, बिग हॉर्न्स ठीक है, बिग हॉर्न्स कहीं भी अदर नाम भी मिलेगा तो आप ऐसे कर सकते हैं बिग हॉर्न्स। अगला है दोस्तों इसी में ब्लैक हिल्स हो गया, बिग हॉर्न्स है, सिनसिनाटी उभार, सिनसिनाटी, सिनसिनाटी उभार, सिनसिनाटी उभार तथा हेनरी पर्वत, हेनरी पर्वत ये सभी आप लोगों की कहाँ दिन है जैसे भी नहीं पढ़ते हैं। तो अभी हेनरी पर्वत आपने लिखा, फिर इसके पहले ब्लैक हिल्स लिखा, एक और न्यूयॉर्क में पड़ता है और यूएसए न्यूयॉर्क की सीमा पे पड़ता है, एक और पर्वत लिख दीजिए उसी में आगे, या उसके आगे लिख दीजिएगा न्यूयॉर्क और फिर प्लस या थोड़ा कमा करके आप लिख दीजिए, दोनों की सीमा पे है तो दोनों कंट्री में पड़ता है, इस नाते इसको लिख दीजिए आप। एडिरांडेक ये यूएसए के न्यूयॉर्क में ही है, दोनों कंट्री में नहीं, ये न्यूयॉर्क तो ये आपका यूएसए न्यूयॉर्क का है, कैसा शहर है न्यूयॉर्क, बंदरगाह ठीक है, से कलकत्ता मुंबई ये सब क्या बंदरगाह से उसी तरह से बंदरगाह, ऐसे फिल्मों में देखे होंगे बड़े बड़े सुंदर सुंदर से जहाज दिखाई देते हैं रंग बिरंगे, तो ऑलमोस्ट कहीं कहीं ऐसा नहीं कि वही क्यों है, ऐसे बहुत सारे जगहों पर वही आपका होगा अगर कहीं घर देखा है तो। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा अवशिष्ट पर्वत की, रेजिडुअल पर्वत की, रेजिडुअल पर्वत की देखिए अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट इसको इंग्लिश में रेसिडुअल भी कहते हैं और इसको ही रेगिट पर्वत भी कहते हैं, रेगिट विग्लोइंग, क्या पता कुछ शब्द आ जाए ऐसे, रेसिडुअल इंग्लिश वर्ड में है रेसिडुअल RESIDUAL रेसिडुअल, और चाहो तो इसको ही आप कहते हैं रेगिट RELIET RELIET रेगिट माउंटेन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आप लोगों को अवशिष्ट पर्वत है तो यानी बचा हुआ हिस्सा, अवशिष्ट मतलब क्या बचा हुआ हिस्सा ठीक है, तो वही है जैसे आपने बहुत अच्छा उदाहरण आपके यहाँ मिल जाता है हाँ ठीक है, बहुत अच्छा घूमने लायक प्लेस है, जाइए राजस्थान घूमिए तो आपको पता चलेगा। अपर्दन की शक्तियों द्वारा सबसे ऊंची शिखर कौन सा है दोस्तों अरावली पर्वत का, लगभग कितनी ऊंचाई है, दो और
भटनी सत्यों द्वारा जब प्रारंभिक पर्वत अपर्जित होकर अवशिष्ट रूप में दृष्टिगोचर होते हैं, अवशिष्ट रूप में दृष्टिगोचर होते हैं, तो उन्हें अवरोधक या अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। चलिए इसे कुछ उदाहरण भी थोड़ा सा लिख लीजिए। कहते हैं भारत में या भारत के कौन कौन से पर्वत है कोई बता सकता है? सतपुड़ा भी है, वेरी गुड। और तीनों और कोई बता दे, एक दो और बता दे। बहुत अच्छा होगा, बता दे। इसके अलावा एक पहाड़ी पड़ती है पारसनाथ भी अवशिष्ट के उदाहरण आदि है, बहुत सारे हैं प्रसिद्ध है पारसनाथ। चलिए साहब हो गया, अब चलिए जटिल पर्वत लेते हैं। कॉम्प्लेक्स माउंटेन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स माउंटेन इसमें लिखिए, जब किसी पर्वत में कॉम्प्लेक्स माउंटेन कई पर्वतों की विशेषताएं सम्मिलित रूप से पाई जाती हैं, तो उसे जटिल या मिश्रित पर्वत कहा जाता है। मतलब कोई एक विधि से ना बनी हो, कई सारी चीज़ें उसमें मिक्स हो, मिक्सअप हो, कंफर्म करना बड़ा मुश्किल हो कि कैसा है ये, ठीक है, तो वो आपको वलित पर्वत कहलाएगा, सॉरी कॉम्प्लेक्स माउंटेन कहलाएगा, मिश्रित पर्वत, ठीक है, मिश्रित पर्वत कहा जाता है, कहा जा सकता है। वास्तव में इस प्रकार के पर्वतों का निर्माण पूर्ण रूप से आग्नेय चट्टान या रूपांतरित चट्टान या बड़े पैमाने पर अव्यवस्थित अवसादी शहर से होता है या इनमें से कई के मिश्रण से होता है या इनमें से
कई के मिश्रण से होता है। जैसे या उदाहरण सियरा नेवादा, सियरा नेवादा यूएसए के पर्वत है सब, सियरा नेवादा, व्हाइट पर्वत, एनाकोंडा तथा एनाकोंडा तथा एनाकोंडा ये सब कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स माउंटेन के उदाहरण है। अब चलिए पर्वत निर्माण करी घटनाओं के आधार पर जो पर्वतों का निर्माण हुआ वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा लिख लीजिए। एक तरफ लिखिए पहले चर्नियन हलचल, ऐसे लिखिएगा, एक तरफ हलचल लिखिए किस काल में हुआ है और उसे किन पर्वतों का निर्माण हुआ है, ऐसे पर्वत में लिख लीजिए, ठीक है। तो पहली हलचल है चर्नियन हलचल। देखो बेटा इसको चाहे आप हलचल करो चाहे पर्वत निर्माण करी घटना करो, बात एक ही है। चर्नियन हलचल जो है ये पर्वत निर्माण कारी जो एक प्रक्रिया है ना, एक प्रोसेस था। चर्नियन हलचल एक प्रक्रिया है जो एक पीरियड टाइम पीरियड में चली है, ऐसा नहीं बस ऐसे आज हुआ और कल हो गया, एक पीरियड है, ठीक है। तो ये हलचल के परिणाम स्वरूप हुआ है, इस काल में हुआ है, प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है, इस तरह से लिखेंगे। और फिर कस्ते के बारे में लिखिए पहले चर्नियन हलचल, चर्नियन हलचल या चर्नियन पर्वत निर्माणकारी घटना ऐसे भी कह सकते हैं, चर्नियन हलचल या इसी को भी चर्नियन पर्वत निर्माणकारी घटना ये कह सकते हैं, प्रक्रिया भी कह सकते हैं, घटना भी कह सकते हैं, ठीक। चलिए किस काल में हुआ था, प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन युग से पूर्व, तो काल लिखेंगे प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन या प्री कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन युग से पूर्व, बात वही हो गई। कैम्ब्रियन युग से पूर्व मतलब प्री कैम्ब्रियन का पीरियड है, प्री कैम्ब्रियन या लिखिए लारेसियन पर्वत, फटाफट लिखते जाइए बच्चों, ठीक सर आ गए हैं। लारेसियन पर्वत, अलगुमन पर्वत, कामा लगाते हुए लिखिएगा, अलगुमन पर्वत, किलारनियन पर्वत, किलारनियन, किलारनियन, किलारनियन पर्वत, किलारनियन पर्वत, किलारनियन पर्वत, ये सब उत्तरी अमेरिका में पड़ते हैं दोस्तों, ये सभी। इसके अलावा फेनो स्कैंडिया, फेनो स्कैंडिया यूरोप के हैं ये पर्वत, ये यूरोप का है, फेनो स्कैंडिया यूरोप, एंजलेसी, एंजलेसी, एंजलेसी ऐसे रहेगा, एंजलेसी स्विट्जरलैंड में पड़ता है, स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड, एंजलेसी सॉरी स्कॉटलैंड है, सॉरी सॉरी स्कॉटलैंड, 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 स्कॉटलैंड। इसके अलावा अरावली पर्वत भारत का है, ये इसके उदाहरण चर्नियन काल के हुए हैं। अगला है कैलिडोनियन, कैलिडोनियन पर्वत, कैलिडोनियन पहले जो थी दूसरी है कैलिडोनियन,
ये कैलिफोर्निया जो हलचल है ये स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड में का पर्वत कैलिफोर्निया जो है उसी के नाम पर पड़ा है, स्कॉटलैंड का, स्कॉटलैंड का। कैलिफोर्निया पर्वत है नाम सिग्निफिकेंट भी इसका नाम जो है कैसे पड़ा तो ये याद रखिएगा आपका स्कॉटलैंड का कैलिफोर्निया पर्वत के नाम पर ही कैलिफोर्नियन हलचल नाम पड़ा। ठीक है, ये इसका पीरियड जो था दोस्तों वो लिख लीजिएगा, पहले जो एक महाकल्प के काल पीरियड में लिखिएगा किस काल में इसका निर्माण हुआ, तो पहले जो एक महाकल्प के सिल्यूरियन कैलिफोर्नियन सॉरी पेलियो जो महाकल्प के सिल्यूरियन कामाडिवोनियन सको में या डिवोनियन कालों में या सको में जल्दी लिखिए, इसमें जो है कंट्री वो आपका है मतलब कौन कौन से पर्वत है वो उदाहरण पर्वतों के नाम लिखिए, स्कैंडिनेवियन ब्राजीलाइट्स इसके बाद लिखिए भारत का विंध्याचल पर्वत महादेव पर्वत सतपुड़ा पर्वत ये सब आपके पड़ेंगे इसके कैलिफोर्निया हलचल होंगे। भारत का तो सभी याद होना चाहिए दोस्तों विंध्याचल पर्वत महादेव पर्वत सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, इतना लिख लीजिए। अगला लिखिए हरसीनियन हलचल। ये जर्मनी के हार्स पर्वत के नाम पर इसका पड़ा हरसीनियन हलचल, कहाँ के जर्मनी के हार्स पर्वत है हार्स पर्वत किसी के नाम पर पड़ा हार्स पर्वत जर्मनी का हार्स पर्वत इसके नाम पर पड़ा है। चलिए कौन सा काल था यह भी पेलियोजोइक महाकल्प के अंतिम शक परमियन अंतिम शक जो है परमियन काल था तो अंतिम शक परमियन में उदाहरण लिख लीजिए दोस्तों ब्रिटेनी पर्वत ये फ्रांस में पड़ता है उदाहरण है ब्रिटेनी पर्वत जल्दी करो फ्रांस है फिर उसके बाद वास्जेस ये सब यूरोपियन पर्वत है जो हम लोगों ने पढ़ा था राइन नदी के पश्चिमी तट पर वास्जेस कामा ब्लैक फॉरेस्ट आल्प्स पर्वत का आंतरिक भाग एशिया में अल्टाई थियेंसान ये सब एशिया के पर्वत हैं एशिया में अल्टाई थियेंसान खिगन जुगरियन तथा तारिम बेसिन यूराल पर्वत गोबी पर्वतस्थल है वही परिस्थित पर्वत है गोबी पर्वत अपलेशियन पर्वत उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर अपलेशियन पर्वत गोबी पर्वत अपलेशियन पर्वत युराल पर्वत तारिम बेसिन ये हो गया। चलिए अब लास्ट लिख लीजिए अल्पाइन पर्वत
चौथा है अल्पाइन अंचल या अल्पाइन अंचल, ठीक है जल्दी से करिए लास्ट, अल्पाइन अंचल, ठीक है ये यूरोप के नाम पर है इसका, यूरोप के आल्प पर्वत के नाम पर है इसका अल्पाइन पर्वत, यूरोप का जो आल्प पर्वत है उसी के नाम पर इसका पड़ा है अल्पाइन पर्वत, ठीक है। इसका पीरियड लिख लो, क्रिटेशियस शक के, क्रिटेशियस शक से, शक से क्रिटेशियस शक से प्लिस्टोसीन शक तक, क्रिटेशियस शक से प्लिस्टोसीन शक तक, और उसके पहले लिख दीजिए, इसके क्रिटेशियस से पहले लिखिए मेसोजोइक काल के, मेसोजोइक काल के होना ऐसे चाहिए था, मेसोजोइक काल के क्रिटेशियस शक से प्लिस्टोसीन शक तक, समझ गए। तो मेसोजोइक काल के क्रिटेशियस शक से प्लिस्टोसीन शक तक, ठीक। अब इसके पर्वतों को लिखिए फटाफट, राकी एंडीज, राकी एंडीज, अल्पाइन पर्वत, अल्पाइन पर्वत, फिर इसके बाद लिख लीजिए और भी पर्वत, एटलस पर्वत फटाफट लिखिए, एटलस पर्वत, हिमालय पर्वत, पामीर की गांठ के, पामीर की गांठ के एल्बुर्ज पर्वत, जैसे लिखिए एल्बुर्ज पर्वत, जगरोज पर्वत, कुन्नुर पर्वत, क्या हेलो, हाँ बोलो, ठीक है। तो उसके अलावा लिख लीजिए एल्बुर्ज पर्वत है, काराकोरम पर्वत है, अराकान योमा पर्वत है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, अराकान योमा पर्वत है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, हिमालय की तीनों पर्वत श्रेणियां हैं आपकी, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये सब हुआ, ठीक है बेटा।